मुजफ्फरपुर जिले के आथर में हम हैं इस समय बैठे हुए। दरअसल यह तस्वीर आपको ग्राउंड की हम दिखाना चाहते हैं कि यह जो आथर में जो कोठी कभी हुआ करता था ब्रिटिशकालीन, यह भवन है भूत बंगला में तब्दील हो चुका है। अंदर में जो देख रहे हैं कि जलावन रखा हुआ है। यह भवन किसी काम का नहीं है, लेकिन वैसे तो कहे कि यह कैंपस भी किसी काम का नहीं है, निजी उपयोग के काम का है, लेकिन यहाँ के गांव के जो युवा हैं, जो किशोर वय हैं, किशोर उम्र के बच्चे हैं, जो खेल रहे हैं, यहाँ क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं और क्रिकेट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। देख रहे हैं कि इनके पास जो विकेट है वह भी नहीं है, ईंटा का वैकल्पिक विकेट बनाया गया है और एक बैट के सहारे यह क्रिकेट खेल रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि गाँव की प्रतिभा जो है सो कैसे कुंठित हो रही है, खेलने के लिए ग्राउंड का अभाव है। इस तस्वीर को देखने से यह बात हमको समझ में आती है कि आथर गांव में ऐसे स्टेडियम की ज़रूरत है, ऐसे मैदान की ज़रूरत है जो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं सो फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, तमाम तरह के खेलों का अभ्यास कर सके, सुबह में मॉर्निंग वॉक कर सके, शाम में इवनिंग वॉक कर सके। यहाँ के ग्रामीण भी हैं जो बच्चों के क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं और शायद अपने मोबाइल से किसी से बातचीत भी कर रहे हैं। कितने मैदान है खेल मैदान आथर गांव में? आथर गांव में तो मैदान नहीं है, एक भी मैदान नहीं। कुछ नेता लोग पहले बताते थे जो मैदान बनाएंगे जी, लेकिन नहीं बना पाए। कौन नेता जैसे जिन्होंने आश्वासन दिया हो? वो नेता का तो नाम हमको याद नहीं। विधायक या सांसद कौन, या पंचायती राज के जनप्रतिनिधि? पंचायत का नहीं, कुछ बड़े नेता लोग जो है वही बताए थे जो विधायक सांसद होंगे, कभी आए होंगे गांव में। जब इधर क्रिकेट खेला होता था ना जी, तभी आए थे, उसी समय बताए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो कितने विद्यालय हैं इस आथर गांव के हिस्से में, आसपास के इलाकों में? यहाँ पे तो दो विद्यालय है। कौन कौन है? मिडिल स्कूल और हाई स्कूल। हाँ, मिडिल है, हाई स्कूल है। तुम भी उसी विद्यालय में पढ़ता? किस विद्यालय में पढ़ता है? अच्छा, बिशनपुर जगदीश नया टोला मध्य विद्यालय में। वहाँ जो है सो खेल मैदान नहीं है विद्यालय में, शाम में प्रैक्टिस करने के लिए तनकादुर में। तो जैसा कि बच्चे बता रहे हैं, उस विद्यालय के बच्चे हैं जो यहाँ खेल का प्रैक्टिस करने आए हैं। बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट का आनंद उठा रहे हैं और हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि पीछे की तस्वीर आपको दिखा दें कि किस तरीके से बच्चे इस जो क्षण का दीदार कर रहे हैं कि हमारी खबर बन रही है, हमारी वीडियो बन रही है और साथ में जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं उनका भी तस्वीर दिखा दें। आपको बता दें कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं वो अखबारों में छपते हैं, छोटे छोटे बच्चों की प्रतिभा को कौन देखता है, और निहात ये चौर के हिस्से से होकर के हम इस तरफ आए हैं। दूर सड़क से जब जा रहे थे तो लगा कि ऐसे दूर बच्चे खेल रहे हैं, हमें लगा कि शायद यहाँ स्टेडियम होगा, यहाँ पर आए तो ऐसा कुछ नहीं है। जरा हम अपने कैमरामैन से यह भी दरख्वास्त करेंगे कि आपको किनारों की तस्वीर दिखाएँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सो गड्ढा है, गड्ढा में पानी है और गड्ढा है, इधर जो बसावट है, इधर जो है खेत है, खेत का हिस्सा है। और जब बारिश का क्षण हो, जब हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते किनारों में आएंगे और उनका पैर फिसलेगा तो इस तरीके से जो इस जल भरे गड्ढे में चले जाएंगे, छोटे तालाब में चले जाएंगे और इस तरीके से डूबने की हादसा होगी तो बड़े बड़े लोगों का, नेताओं का भीड़ जुट जाएगा और यहाँ पर भीड़ जुट जाएगी और कहा जाएगा कि शौच के दौरान उसकी मौत होगी। आजकल जो हादसे होते हैं, जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है, खास करके हमारे पंचायती राज की जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा अक्सर हादसों को बदलने का दौर चल पड़ा है कि अगर क्रिकेट खेलते हुए भी पैर फिसलने से बच्चे के डूबने से मौत हो जाए तो शायद नेताजी की मन में आ जाए तो शौच के दौरान डूबने से मौत हो गई, क्योंकि 4 लाख रुपए मुआवजा की बात होती है। भविष्य की चिंता नहीं है, तत्काल राजनीतिक है कि कुछ दे दिया जाए और उसके नाम पर राजनीतिक रोटी जो है सो सेक लिया जाए। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बड़े बड़े नेता जब इस इलाके में खेल होता है तो उसमें बच्चों के बीच जो आयोजकों द्वारा पुरस्कार रखा जाता है उसको बांटने के लिए आते हैं और अपनी जो तस्वीर खिंचाते हैं, माइक में जो अनाउंस करते हैं, उस दौरान घोषणा किए थे कि आथर गांव में भी एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, मैदान का निर्माण कराया जाएगा जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे खेलेंगे, उनकी प्रतिभा का निखार होगा, गाँव की प्रतिभा बढ़ेगी और विकसित हो सकेगा। लेकिन अब तक निर्माण का बात जो है सो नहीं हो सका, लिहाजा इलाके के लोग जहाँ निराश हैं, छोटे बच्चे भी काफ़ी हतोत्साह हैं। बच्चों का कहना है कि खेल मैदान बनने चाहिए
ताकि उन लोगों को इधर उधर भटकने की जो स्थिति है नहीं भटके।